ये है कि हम लोग डिप्राइव है, एग्रीव है, गलत हुआ है, ये हम लोग का कहना राइट है. हम लोग किसी और का राइट नहीं मांग रहे, अपना राइट मांग रहे हैं. SIC है जो इन्वेस्टिगेशन, जो जितना भी टीम है, बाकी गवर्नमेंट बॉडीज भी जो हेल्प करना चाहेगा ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में, उससे यही हेल्प मांगना चाहेगा. और हम लोग यही दरख्वास्त करना चाहेगा कि एटलीस्ट जो स्टूडेंट डिप्राइव है, जो मिला है नहीं मिला है वो तो अलग बात आता है, डिप्राइव का अंदर में सब आ जाता है. जो मिला है वो उसको भी तो धोखा दे रहा है ना, पोस्ट को खरीद के. जो नहीं मिला है उसको तो और धोखा मिल रहा है. तो ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होना चाहिए. मेरा नाम लीना सोरा है. तो हम लोग यहाँ आज इसीलिए आया है कि जो एग्रीव कैंडिडेट है PGT का, उसको लेके हम लोग जो है यहाँ पे वो बोलने आए हैं कि हम लोग का जो एग्ज़ाम हुआ है PGT का, इट कंडक्टेड जस्ट बिफोर द एग्जाम्स. तो हम लोग को जो है कमीशन पे डाउट है, और कमीशन पे पूरा ट्रस्ट है ही नहीं कि हम लोग का साथ में फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम हुआ होगा बोल के. तो उसको हम लोग जो है आज हाईलाइट करने आया है, और ये बोलने आया है कि HDO AE इलेक्ट्रिकल, LDCE डिजास्टर मैनेजमेंट वाला, और ये AE सिविल वाला, वो जो है जब स्क्रैप हो सकता है, नल एंड वॉइड हो सकता है. जो PGT है जो 7 तारीख को कंडक्ट किया गया है, वो क्यों नहीं हो सकता है? तो पकड़ा तो AE में है, लेकिन हुआ तो PGT में भी हुआ होगा. सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है PGT TGT, तो वहाँ कैसे नहीं होगा जब बाकी पोस्ट तो कम ही निकलता है. साथ में आप लोग उसको भी देखे ना, उसका टेन्योर को भी देखे कि एग्जाम किसका टेन्योर पे हुआ है ना, और मेन कल्प्रित कौन है ना. और हम लोग FIR भी लॉन्च कर चुका है, 5 नवंबर में हम लोग वो किया था ना, FIR दिया था. तो ये अगेंस्ट भी जो हम लोग का डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है ना, APBSC का वाला, उसका अगेंस्ट में हम लोग दिया है ना. कि बाकी सब में इतना वो निकला है ना, फॉल्ट प्ले निकला है, तो ऑब्वियसली हम लोग का टीचर में निकलेगा. और ये तो सबका जनरल ना ओपन वो है, बात है ना, कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा करप्शन होता है ना. तो हम लोग का मुद्दा यही है कि PGT TGT जो अभी रिसेंटली हो गया, वो PGT तो है, लेकिन साथ में हम लोग का TGT PGT 2018 तक का भी वो करना है हम लोग को ना. आप लोग पूरा इन्वेस्टिगेट करना है ना, वहाँ से लेके अभी तक में जितना भी गड़बड़ चल रहा है वो सब पूरा क्लैरिफाई करना है, जस्टिफिकेशन हम लोग को देना है. और अनटिल एंड अनलेस ये मुद्दा पूरा क्लियर नहीं होता है, हम लोग भी पीछे नहीं हटेगा. और जितना हम लोग SIC को हम लोग दिया है, उसको भी हम लोग फॉलो अप करते रहेगा. वो लोग ऊपर में ट्रस्ट तो है, साथ में हम लोग भी अपना इनपुट देते रहेगा, और वो लोग से भी हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते रहेगा ना. बस इतना सा बात को हम लोग आप लोगों को बताने के लिए आया था आज. जी आपने SIC पे जो कंपनी लॉन्च किया है जी, तो उनकी तरफ से रिस्पॉन्स क्या है? सर, उनके तरफ से तो रिस्पॉन्स अभी फिलहाल तो आप लोग का, हम लोग का जितना बोला है ना, अभी से ही शुरू होना पड़ेगा. तो अभी चल रहा है वो लोग का ना, बाकी सबका भी इतना ज्यादा करके रखा है, तो आप लोग का भी अभी इंक्लूड हो गया, तो हम लोग ऑब्वियसली हम लोग देखेगा ना. सिर्फ इतना बोला है, लेकिन इतना बोलने के बाद में तो जानने का बात है, वो तो जब तक हम लोग उसको प्रेशर नहीं देते वो लोग भी तो करने वाला नहीं है ना. ऐसा नहीं है कि वो लोग करेगा नहीं है, लेकिन टाइम कंज्यूम होगा ना, और इसका रुक रुक के हम लोग का अपना भी टाइम वेस्ट होता है, हम लोग भी तो इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो बर्बाद किसी का भी टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए ना. तो वही सोच के जितना हो सकता है जल्दी जल्दी होने से तो उसके लिए भी ठीक है, हम लोग के लिए भी ठीक है ना. वही है, यहाँ पे ऐसा कुछ मिला नहीं है कि गड़बड़ हुआ है वो, कि अभी जस्ट कलेक्टर के जनरल का जो जितना भी कंडक्ट किया था वहाँ पे पेपर लीकेज हुआ है, तो अभी भी टेस्ट चल रहा है. नहीं नहीं नहीं, कुछ मिला है कि यहाँ पे कोई प्लेन हुआ है? फॉल्ट प्ले तो आपका इसका टेन्योर में तो ताकि जगह अगर डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है तो देन फॉल्ट प्ले तो होगा ही होगा, ये तो हम लोग 100% श्योर है ना. और रहा सवाल एविडेंसेस का या प्रूफ का वाला, तो वो तो वो लोग जो SIC से करेगा इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा वो निकालेगा, तो हम लोग भी अपना इनपुट देते रहेगा ना. अभी हम लोग यही प्रूफ मिला है, वो प्रूफ तो SIC करके काम हो जाएगा. अगर हम लोग प्रूफ देते रहेगा तो वो लोग का इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब रहेगा? पहले वो लोग को काम करने दीजिए, हम लोग फिर आएंगे. ट्रस्ट कैसे कर सकेगा ये ताकि जरंग एक्यूज का अंदर में एग्जाम होने लगा? एज ए जनरल से पर्सपेक्टिव से भी सोच के देखिए, इललॉजिक है ट्रस्ट करना. इललॉजिक, कोई अगर ट्रस्ट कर भी रहा है तो देट इज वेरी इललॉजिक. मिला है तो होगा ही होगा ये. और सोशल मीडिया में तो ये तो छुपाने का भी बात नहीं है ना, सोशल मीडिया में कितना ज्यादा है. अगर प्रूफ चाहिए भी है, हम लोग को सब बेसिस पे बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया में भी आप लोग को मिल जाएगा. इवन आप लोग से ही हम लोग को मदद मिला है, तो फ्यूचर में भी आप लोग ही हम लोग को मदद कर दीजिए ना. हम लोग तो ऐसे ही ऑर्डिनरी वो है ना, एक्सपीरियंस लोग है ना, कोई एक्सपीरियंस वाला है ना ही हम लोग कभी ऐसे आके फेस टू फेस किसी के साथ बात करके देखा है ना. हम लोग इतना डेस्पिरेशन में आ गए कि आज आप लोग का सामने में आके मीडिया के सामने में अपना आपको रिवील करके बात करना पड़ता है ना. तो ये भी तो इतना एक सोचने से तो शेमफुल वाला बात है. तो
इस विषय पे आप लोगों ने जो स्टूडेंट्स बॉडी के लिए जो प्रेशर ग्रुप बनाया गया उनसे आपने इस बारे में बात किया है? हाँ, ये तो ऑब्वियसली हम लोग का इंडिविजुअली हम लोग किसी के लिए नहीं आया ना, ना ही मेरा इंटरेस्ट में ना ही इसका इंटरेस्ट में, ये तो मास का इंटरेस्ट में आया है ना। ऑब्वियसली हम लोग को भी फोर्स किया गया है, पीछे से पुश किया गया है ना, और किसी भी हम लोग स्टूडेंट बॉडी से कनेक्टेड है या फिर पॉलिटिकली कनेक्टेड बिल्कुल नहीं है हम लोग ना, एज अ डिप्रेस्ड कैंडिडेट सिर्फ हम लोग एज एन एक्सपीरियंस ना, जो जो हम लोग आया है हम लोग सिर्फ अपना मुद्दा को लेकर आया ना, किसी से हम लोग रिलेट भी नहीं और किसी का पीछे भी करके नहीं है ना, इसलिए अप्रोक्सीमेटली आप बता सकेंगे आप लोगों का कितना एक्सपीरियंस नंबर से? 4,000 हाँ टोटल कैंडिडेट ना। तो अगर कल को इस डिमांड आप लोग का जो डिमांड है इन्वेस्टिगेशन का, इस पर अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आप लोग किस टाइप के स्टेप्स आने वाले? सर ये तो फ्यूचर का बात है ना, अभी पहले देख लेता है कि प्रोसेस कैसे चल रहा है। अभी हम लोग ऐसा करेगा वैसे करेगा हम लोग ये भी नहीं बोल सकता है ना, प्रोसेस का साथ में हम लोग भी अपना चलते प्रोसेस को करेगा, डेवलप करते जाएगा ना, उसके बाद ही पता चलेगा। रिस्पॉन्स को आप लोग कब तक एक्सपेक्ट करते हैं? सर रिस्पॉन्स तो हम लोग जितना हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली हम लोग का तो ये मंथ या फिर क्या दिसंबर तक तो जितना भी होने से हम लोग को रिस्पॉन्स मिलने से ठीक है सोचता है ना, लेकिन उतना तो होगा वो भी हम लोग गारंटी नहीं दे सकता है, लेकिन उतना में भी फिर हम लोग भी प्रेशर करेगा वो तो है ना, हम लोग भी ये बात को हम लोग ले लिया, इश्यू को हम लोग उठा लिया, लेकिन उसके बाद हम लोग छोड़ देगा ऐसा नहीं है ना, हम लोग भी प्रेशराइज करेगा, उसका बाद वो लोग का तरफ से क्या निकलता है और हम लोग उसका बाद हम लोग देखा जाएगा हम लोग से क्या होता है बनता है। स्टार्टिंग हम लोग ये है कि हम लोग डिप्राइव है, एग्रीव है, गलत हुआ है, ये हम लोग का कहना राइट है, हम लोग किसी और का राइट नहीं मांग रहे, अपना राइट मांग रहे हैं। SIC है जो इन्वेस्टिगेशन, जो जितना भी टीम है बाकी गवर्नमेंट बॉडीज भी जो हेल्प करना चाहेगा ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में, उससे यही हेल्प मांगना चाहेगा और हम लोग यही दरख्वास्त करना चाहेगा कि एटलीस्ट जो स्टूडेंट डिप्राइव है, जो मिला है नहीं मिला है वो तो अलग बात आते हैं, डिप्राइव का अंदर में सब आ जाता है, जो मिला है वो उसको भी तो धोखा दे रहा है ना पोस्ट को खरीद के, जो नहीं मिला है उसको तो और धोखा मिल रहा है, तो ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होना चाहिए, इसका ही अगर थ्रू हम लोग भी फॉलो अप करते जाएगा आगे का, तो ये करेगा वो करेगा तो नहीं बोल सकता है, अभी तक हम लोग जितना किया है वो आप लोग का सामने रख दिया उतना ही है।